नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, नया साल आने वाला है, आप लोगों को नए वर्ष की पहले ही से हम ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे, नया एक सेंटेंस आया दोस्तों, डंकी रूट। डंकी रूट एक नया वर्ड अभी ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। आप लोग जानते हैं क्या है डंकी रूट? दोस्तों, डंकी नाम एक अभी फिल्म आया है आपका शाहरुख खान का, और इस फिल्म में दोस्तों डंकी डंकी फिल्म आया शाहरुख खान का, शाहरुख खान उस फिल्म में रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो दोस्तों जो बर्ड हम बता रहे हैं, डंकी रूट क्या है? डंकी रूट दोस्तों इलीगल तरीके से वैसे प्रवासी जो किसी दूसरे देश में चले जाते हैं रोजगार की खोज में या बेहतर अपना जीवन बिताने के लिए, तो उन्हें डंकी रूट कहा जाता है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से गए हैं। अभी हाल ही में जानते हैं दोस्तों, कई सारे लोग जो है वो पंजाब से कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा में सोचते हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा जीवन यापन होगा। वैसे लोग कुछ इलीगल तरीके से भी जाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की एक सीमा होती है कि इतने लोग यहाँ पर आएंगे रहेंगे, और वैसे परिस्थिति में अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं तो वो फिर इलीगल रास्ता अपनाते हैं। वहाँ का जो एजेंट होता है, वो कई सारे एजेंट होते हैं जो एजेंट कहते हैं कि हम आपको उस देश में पहुँचा देंगे पीछे के दरवाजे से, बैक दरवाजे से पहुँचा देंगे गलत इलीगल तरीके से। उसके लिए वो पैसा भी चार्ज करते हैं वो एजेंट लोग, और वहाँ पर इलीगल तरीके से पहुँचा देते हैं। तो जो इलीगल तरीके से पहुँचाने का जो भी प्रोसेस है, उस सबको कहा जाता है डंकी रूट, यानी इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर आप जाते हैं, आप प्रवासी जो जाते हैं, उसे डंकी रूट कहा जाता है दोस्तों। और ये भी फिल्म जो शाहरुख खान का आया है, उस फिल्म में यही पूरा कहानी है दोस्तों डंकी रूट का। कनाडा में जिसे जानते हैं, पंजाब के काफी सारे लोग कनाडा में गए रहने के लिए, तो अब कनाडा सरकार ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इतना से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आएंगे अप्रवासी। लेकिन कुछ लोग और जानना चाहते हैं, तो वो फिर इन्हीं एजेंट के माध्यम से इलीगल तरीके से वो कनाडा में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग अमेरिका चले जाते हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं वो कई गिरोह में फंस जाते हैं। वो वहाँ अगर चले जाते हैं, अगर पैसा को मान लीजिए किसी एजेंट के माध्यम से वो वहाँ पर चले गए और उस एजेंट को उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो फिर वो एजेंट जो है वो वहाँ पर उनको खटवाता है, उनका शोषण करता है, उनको उस व्यक्ति को रेस्टोरेंट में काम लिया जाता है, या फिर मतलब गाड़ी उनसे साफ करवाया जाता है। इस तरीके से जो मतलब काम होता है उनसे, उनका शोषण करके फिर वो अपना पैसा निकालते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों डंकी रूट। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को अपने जरूर शेयर कीजिएगा कि डंकी रूट क्या है, व्हाट इज डंकी रूट, जिस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।